हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल टेकवाइसी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने फोन के स्क्रीन पर ताकि मैं आपको बता सकूं सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आप एक केबल यूजर हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आने वाले टाइम में आपका जो केबल का बिल है वो करीबन 250 रुपये तक बढ़ जाएगा। क्या न्यूज़ है पूरी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास ये जो लाल वाला बेल का आइकन है, सब्सक्राइब की बटन है, इसको जो है आप प्रेस कर दीजिए और साथ में इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि क्या न्यूज़ है पूरी। दोस्तों, ट्राई ने अभी एक नया नियम पास किया है जिसके तहत आने वाले टाइम में आपका जो केबल का बिल है वो करीबन 350 रुपये महीने से बढ़कर 500 रुपये महीने तक हो जाएगा। इस टाइम पर इन्होंने एक नया बिल पास किया है जिसके तहत ये कहा जा रहा है, एक नई नियम लागू किया है कि इसमें आपको, अगर आप एक केबल यूज़र हैं, आपके घर में केबल लगा हुआ है, तो आपको 130 रुपये तो देने ही पड़ेंगे 100 फ्री-टू-एयर चैनल देखने के लिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि जी ये महंगा हो रहा है। तो मैं उसमें बताना चाहूँगा कि हाँ ये महंगा हो रहा है, लेकिन मेरा उस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताने का मकसद था कि ट्राई ने इसे इस वजह से लागू किया है ताकि जो कुछ केबल ऑपरेटर है, आपने देखा होगा हर एक जगह का जो केबल का बिल होता है वो अलग अलग होता है, तो इस मनमानी को रोकने के लिए ट्राई ने इस नियम को लागू किया था। लेकिन इसकी वजह से अब जो ये केबल का बिल आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा लगभग, क्योंकि 130 रुपये में आपको 100 फ्री-टू-एयर चैनल मिलेंगे जो कि आपको फ्री मिलते थे, वो आपको उसके लिए 130 रुपये फिक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आप जो भी नया चैनल लगवाते हैं, जो भी नए चैनल के लिए आप केबल वाले को कहेंगे, वो करीबन आपको 2 रुपये से 19 रुपये की कॉस्ट पड़ेगा। जितने भी पॉपुलर चैनल है वो लगभग आपको 15 रुपये तक पड़ जाएंगे। मुंबई में इस टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो मुंबई की कुछ ऐसी न्यूज़ है। मुंबई में इस टाइम पर करीबन 15 से 20 लाख केबल के कंज्यूमर हैं और जिनसे करीबन 900 करोड़ रुपए पर सालाना जो है इनकम होती है। तो तुषार आपले जो कि जनरल सेक्रेटरी है MNS केबल सेना के, उन्होंने इसी बात के बारे में कुछ जो है न्यूज़ वालों को बताया। उन्होंने कहा है कि इस टाइम पर हम करीबन 350-450 रुपये पर मंथ हम लोगों से चार्ज लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोगों का जो चैनल होता है वो कोई अलग चैनल देखते, तो इस वजह से उनका जो बिल होता है वो अलग अलग आता है। और इन 350-450 रुपये के बिल में वो करीबन 458 चैनल जो है वो दिखाते हैं। और ट्राई की जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत अब जितने भी बड़े बड़े चैनल, जैसे सोनी स्टार हो गया, सोनी हो गया, जी हो गया, कलर्स हो गया, अब वो अपनी, अभी तक वो बुके में पूरा चैनल का वो देते थे, अब उन्हें पर चैनल वो आपसे पैसा वसूलेंगे, जिसकी वजह से आपका आने वाले टाइम में जो बिल है वो करीबन 500 रुपये तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो केबल वाले हैं, अगर कंपनी वालों की तरफ से बिल नहीं बढ़ता है तो भी केबल वालों की तरफ से अब ये बिल ज़रूर बढ़ेगा। उसका रीज़न भी है, क्योंकि अब केबल वालों को एक नया बंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की डिमांड अलग अलग हो जाएगी कि जी हमें ये चैनल देखना है, ये चैनल नहीं देखना, तो उसको मेंटेन करने के लिए नए बंदे रखने पड़ेंगे, ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सब कुछ की वजह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो मैन पावर है वो बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। अभी ट्राई ने इसके ऊपर कोई एकदम आखिरी फैसला नहीं लिया है, इस वजह से अभी ये सिर्फ न्यूज़ में है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जी हाँ ऐसा होने वाला है कि आपका जो केबल का बिल है वो करीबन 150 से लेकर 250 रुपये तक बढ़ने वाला है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। सो आई होप दोस्तों कि अब आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज को आप मिस ना करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।